सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ से टूट चुकी शहनाज गिल अब फाइनली एक्टिव हुई है और एक बहुत ही अच्छे काम से उन्होंने फिर से शुरुआत की है, और जो शुरुआत की है वो वैसी ही की है जैसा शायद सिद्धार्थ जिंदा होते तो चाहते। क्योंकि सिद्धार्थ के जाने के बाद हमें बहुत कुछ पता चला कि कैसे स्क्रीन पर तेज तर्रार एटीट्यूड में दिखने वाले सिद्धार्थ अपनी पर्सनल लाइफ में ग्राउंड से जुड़े हुए आदमी थे, ब्रह्म कुमारी आश्रम जाते थे, अपनी मदर से कितने जुड़े हुए थे, ये सारी चीज़ें, ये सारे पहलू सिद्धार्थ के बारे में उनकी डेथ के बाद ही पता चले थे। और अब शहनाज गिल फिर से जब शुरुआत कर रही है तो उन्होंने एक ऑर्फनेज से अपनी शुरुआत की है। शहनाज गिल ने सिद्धार्थ की डेथ के बाद अभी तक पब्लिक में ज़्यादा कहीं अपेयरेंस नहीं दी है, ना ही पापराजीज कहीं उन्हें क्लिक कर पाए हैं। इसी बीच शहनाज गिल की अमृतसर के एक ऑर्फनेज से पिक्चर्स सामने आई है, जहां पर ऑर्फनेज के बच्चों के साथ, वहां के लोगों के साथ शहनाज ने टाइम स्पेंड किया है। इन पिक्चर्स में शहनाज बच्चों के साथ बेहद खुश नज़र आ रही है और उनके साथ बातें करने में शहनाज को काफ़ी मज़ा आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। हालांकि शहनाज की अगर लुक की बात करें तो शहनाज ने अपने आप को मेंटेन बहुत अच्छा कर लिया है, पहले से अब तक वेट में तो गज़ब का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। लेकिन हाँ, जिस शहनाज के चेहरे पर वो जो एक रौनक रहती थी, एक चुलबुलापन रहता था जो हमने बिग बॉस के घर में देखा या सिद्धार्थ जब साथ में होते थे तब दिखता था, वो गायब है, वो अभी तक नहीं दिखा। सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज की चाहे कितनी ही पिक्चर्स सामने आई हो, लेकिन शहनाज के चेहरे पर एक फीकापन नज़र आया है जो इन पिक्चर्स में भी साफ दिखता है। शहनाज गिल की हाल ही में हौसला रख फिल्म रिलीज हुई थी और अब शहनाज गिल ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि मीडिया से या पापराजी से या फ्रेंड्स के साथ घूमना, पार्टी करना, ये सब अभी शहनाज ने नहीं शुरू किया है। वो बस अपने आप को थोड़ा और टाइम देना चाहती है सिद्धार्थ की डेथ से उभरने के लिए। आपको बता दें कि सिद्धार्थ की डेथ के बाद शहनाज को गहरा सदमा लग गया था। एक बार के लिए सिद्धार्थ की मदर संभल गई थी, लेकिन शहनाज को संभालना बहुत मुश्किल था।